हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रीजनिंग के काउंटिंग फिगर के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जो कम्पिटेटिव एग्जाम के नज़र से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, काफ़ी आसानी से और कम टाइम में सॉल्व होंगे। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले, ये आपका अपना चैनल है द ज्ञान सो एजुकेशन, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये मैथ बाय ज्ञान सर टेलीग्राम चैनल है, इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए सीधे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। लिखा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, यानी कि फाइंड आउट ट्रायंगल, इसमें काउंट करना है, इसको निकालना है। तो अगर इनको गिनना गिनना बैठे तो काफ़ी टाइम लगेगा। सीधा सी सिंपल एक ट्रिक है, यानी कि सब क्या करें, सबके इन नंबरों को दे दें। कैसे, यानी कि कितने खंड है, 1, 2, 3 और 4, यानी कि इसमें कितनी चार भुजा हैं, और इन चारों भुजाओं को आपस में क्या करते हैं, ऐड कर दें, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4, जिनको आपस में ऐड कर देंगे, यानी 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, कितना आया 10, यानी कि इसमें टोटल कितने ट्रिंगल हैं, 10 हैं। और गिनना चाहें तो गिन लेंगे, लेकिन डायरेक्टली कितने ट्रिंगल हैं, 10 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, यानी कि इसमें भी त्रिभुज निकालना है। कैसे निकालेंगे अब, तो इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक तो लग नहीं रही है, तो इसको क्या करेंगे, आपस में गिन लेंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 5 तो सिंपल से दिख रहे हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन क्या इसमें 5 ही होंगे, नहीं, इसमें और हैं। और कैसे हैं, उनको कैसे गिनेंगे, उनको हम दिखाते हैं। पहले इसको साफ कर लेते हैं, यानी कि 5 तो पहले से हो गए, 5 तो पहले से हो गए। फिर करेंगे ये और ये, है ना, यहाँ ये कितना हो गया, ये 6 हो गया। उसी प्रकार से ये ट्रेंगल आपस में इसको जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और उसी प्रकार से और कौन सा ट्रेंगल बनेगा, ये वाला, यानी कि इन दोनों को मिला के भी एक क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। तो कौन सा नंबर हो गया, 8 हो गया। और लास्ट में कौन सा ट्रेंगल बनेगा, सबसे बड़ा वाला, कौन सा, ये वाला, ये भी तो एक त्रिभुज है, सबसे बड़ा वाला, कौन सा नंबर हो गया, 9 नंबर, कितना, 9 नंबर, यानी कि 5 तो पहले थे, बाद में कितने बने, 1, 2, 3, 4, कितने बने, 4 बने, यानी कि टोटल 9, यानी कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, 9 है, कितने हैं, 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे गए त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, इसमें भी क्या निकालना है, त्रिभुज निकालना है। कैसे निकालेंगे, सेम उसी प्रकार से पहले क्या करेंगे, गिन लेंगे, जब कुछ ना समझ में आए तो क्या करेंगे, गिनेंगे। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कितने हुए, 6, यानी कि 6 तो सीधे सीधे ही निकल गए, तो क्या इसमें 6 ही हैं, नहीं, और हैं, उनको गिनेंगे। कैसे, 7वां ये बना, यहाँ से यहाँ तक ये चीज, यानी कि इन दोनों को मिलाया तो एक क्या बना, त्रिभुज निकल गया, इन दोनों को मिला के एक त्रिभुज, तो कितना हो गया, 7 हो गया। उसी प्रकार से इनको और इनको मिला के एक कौन सा नंबर हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया। सेम उसी प्रकार से इन्हें किन्हें इन्हें इन्हें और इन्हें मिलाकर एक त्रिभुज बन गया, एक कौन सा नंबर आया, 9 आया, यानी कि 7, 8 और 9, और कौन से बनेंगे, अब देखिए और त्रिभुज बनेंगे इसमें कौन कौन से, ये भुजा जो है यहाँ से यहाँ तक कौन सा हुआ, 10 हुआ। सेम उसी प्रकार से ये भुजा यहाँ से ये चीज कितने हुई, 11। फिर उसी प्रकार से ये 2 हुई, फिर यहाँ से यहाँ कितने हुई, 12। फिर उसी प्रकार से यहाँ ये 13, और फिर फाइनली ये ओवरऑल कितना, 14। फिर उसी प्रकार से ये कितना हुआ, 15। और लास्ट में सबसे बड़ा वाला, लास्ट में सबसे बड़ा वाला ये वाला कितना हुआ, 16। कितना हुआ, 16, यानी कि टोटल इसमें कितने बने, 16 बने।
कितने बने, 16 बने। लेकिन अगर ऐसे गिनने में अगर जटिल लग रहा हो तो सिंपल से हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल एक विधि बताते हैं आपको, नया कंसेप्ट। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे गिना जाएगा। यानी कि सीधे से ध्यान दीजिए, अगर ऐसा त्रिभुज बना हो और इनके बीच में दो माध्यिकाएं हो, कितनी, दो दो, पहली ये और दूसरी ये और लास्ट में ये तीसरी, यानी कि तीन माध्यिकाएं हो और ए और प्रत्येक भुजा को इक्वल डिवाइड कर रही हो, प्रत्येक भुजा को क्या कर रही हो, इक्वल डिवाइड कर रही है। अगर वैसे गिनने में बहुत मान लो जटिल लग रहा हो, थोड़ा कठिन लग रहा हो, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यानी कि कोई त्रिभुज हो और उनमें क्या हो, तीन माध्यिकाएं हो, यानी कि पहली दूसरी और तीसरी, तीन माध्यिकाएं हो और सबको क्या हो, इक्वल डिवाइड कर रही हो, तो उसमें टोटल कितने त्रिभुज बनते हैं, 16 बनते हैं। कितने, 16 बनते हैं, डायरेक्ट याद करिए एक, क्योंकि एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, कितनी बनती हैं, 16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये स्टार है, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो पहले तो सिंपल से पहले गिनेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, कितने डायरेक्टली कितने निकल गए, डायरेक्टली 5 निकल के आए, है ना, डायरेक्टली इसमें कितने निकल गए, 5 निकल के आए, और कितने होंगे, अब इससे यानी कि इस पॉइंट से, इससे इस पॉइंट से देखिए, ये वाला त्रिभुज यानी ये छठा हो गया, कौन सा हुआ, छठा हुआ, फिर ये वाला इस पॉइंट से यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ, ये कौन सा हुआ, सातवां हुआ, फिर उसके ऊपर से यहाँ से यहाँ, ये जी ये क्या हुआ, 8 हुआ, फिर इसी प्रकार से ये वाला त्रिभुज 9 हुआ और लास्ट में ये वाला। लास्ट से ये वाला कितना हुआ, 10 हुआ, यानी कि टोटल इसमें कितने त्रिभुज हुए, 10 हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कितना, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज हुए, 10 हुए, यानी कि जो इस टाइप का स्टार होता है उसमें कितने त्रिभुज होते हैं, 10 होते हैं, है ना, है ना। नेक्स्ट, ये त्रिभुज देखिए आप, यानी कि ये स्टार देखिए, इसमें स्टार में अगर गिनेंगे कैसे गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसमें कितने, 6 निकले, और इसमें कितने निकल सकते हैं, उसमें तो इस वाले में तो 10 निकल रहे थे, यानी कि इस टाइप के स्टार में कितने निकले, 10 निकले। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि इसमें तो 10 निकले, लेकिन इसमें इसमें कितने निकलेंगे, यानी एक तो ये वाला निकलेगा, कौन सा, ये वाला, एक तो ये वाला निकलेगा, यानी कि 6 का 1 7 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 8, ये वाला कितना, 8, यानी कि टोटल इसमें कितने, 8 ही निकलेंगे, इसमें 10 निकलेंगे, इसमें कितने निकलेंगे, 8 निकलेंगे, क्योंकि ये अलग ट्राइब का टिंगल है, तो इसमें कितने निकलेंगे, 8 ही निकलेंगे, है ना, कितने निकलेंगे, 8 निकलेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस टाइप क्वेश्चन में कितने त्रिभुज होंगे, इसको कैसे गिनेंगे, और डायरेक्ट गिनना चाहें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 1, 9, 9 तो ऐसे ही निकला है, 9 तो ऐसे निकल, भाई कैसे निकलेंगे, बाकी निकालने के लिए यानी कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा नंबर हुआ, 10 हुआ, उसी प्रकार सबसे बड़ा वाला कितना हो जाएगा, ये नंबर 11 हो जाएगा, कितना, 11वां त्रिभुज, फिर उसके आगे ये वाला देखिए, यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा, 12, अस्सी, उसी प्रकार से यहाँ तक कितना हुआ, 13 हुआ, कितने निकल गया,
13 निकल गए, लेकिन इसमें डायरेक्टली कैसे करेंगे, थोड़ा गिनने में टाइम लग रहा हो, तो डायरेक्टली कैसे देखेंगे इसमें, देखिए डायरेक्टली देखने के लिए क्या करेंगे, इसमें कितनी भुजा हैं, इसमें भुजा हैं एक एक दो तीन, इधर भी कितनी, एक दो तीन। तो इसके लिए एक शॉर्ट कट मेथड क्या है, इन नंबरों को पहले लिख लो, एक दो तीन लिख लिया, आप आपस में इनको जोड़ दो, कैसे, एक का एक होगा, फिर इससे इससे, यानी एक और दो कितना होगा, तीन हुआ, कितना हुआ, एक और दो तीन, फिर इससे जोड़ो, फिर यहाँ लिखो, यानी तीन तीन कितना हुआ, छः हुआ, आपस में इनको ऐड करो, छः तीन नौ एक दस, कितना आया, दस आया। अब इसका क्या, उधर तो 13 निकले थे, तो इसमें क्या आप 10 ही निकलेंगे ऐसे करें, पर नहीं, इसमें भी 10 है, कैसे, सबसे पहले क्या करते हैं, पहले नंबर को काट देते हैं, फिर दूसरे नंबर को टिक करते हैं, फिर इसको काट देते हैं, यानी कि जो काट दिए उसको नहीं गिनेंगे, और जो सही किए वो गिनेंगे, तो कितना, तीन पर, यानी कि प्लस का तीन और आएगा, प्लस का तीन और आएगा, कितना हुआ, 13 हुआ, यानी कि जो नंबर सही किया वो गिना जाएगा, यानी कि इसमें कितने ट्रेंगल होंगे, 13 होंगे। नेक्स्ट सेम इसी में, इसमें भी विध अप्लाई करेंगे, पहले नंबर दे दो, एक दो तीन चार, इधर भी कितने हैं, एक दो तीन चार, तो सेम इसको भी नंबर देंगे, कैसे, एक दो तीन चार, उसी प्रकार से लिखेंगे, एक का एक जोड़ देंगे, फिर दो जोड़ेंगे, अन एक और दो कितना हुआ, तीन हुआ, अब फिर तीन का फिर इस तीन से जोड़ेंगे, तो तीन तीन कितना हुआ, चार हुआ, और फिर चार का नहीं, तीन तीन नौ होता है ना, चार कैसे होता है ना, नौ हुआ, नौ हुआ नहीं, सॉरी छः हुआ यार, यानी कि एक का एक आएगा, फिर एक और दो कितना हुआ, तीन हुआ, और फिर ये तीन और ये तीन आपस में ऐड कर कितना हुआ, सिक्स होगा, फिर ये सिक्स ये चार, ये सिक्स और ये चार कितना हुआ, ये सिक्स कितना, दस हुआ, कितना हुआ, दस हुआ, इन नंबरों को आपस में जोड़ दो, यानी कि दस छः सोलह, दस छः सोलह और तीन उन्नीस एक बीस, कितना आया, बीस आया, यानी कि दस से सोलह और चार बीस, टोटल कितना है, बीस आया। अब इनमें टोटल ट्रेंगल ट्रेंगल कितने होंगे, यानी पहले को तो काट देते हैं, दूसरे को टिक करते हैं, फिर पहले को काट देते हैं, दूसरे को टिक करते हैं, जो काट दिए उनको छोड़ते हैं, लेकिन जो टिक किए उनको गिन लेते हैं, यानी कितना, छः और एक सात, यानी कि बीस और प्लस सात कितना आया, 27 आया, यानी कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे, 27 होंगे, यानी कि 27 होंगे, यानी कि 27 होंगे, कितने होंगे, 27 होंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।